उत्तराखंड में 70 करोड़ की लागत से बन रही काऊ सेंचुरी पर हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर लाने वाले एचडी एग्री डेवलपर्स कंपनी पर केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बलियान का भड़ास निकाला गया। उन्होंने कहा कि ग्रुप की कार्य प्रणाली की जांच कराएंगी, साथ ही घोषणा की कि यदि कोई भी सूरत में पुरकाजी खादर में काऊ सेंचुरी बनकर रहेगी तो केंद्रीय राज्य मंत्री ने किसानों के ट्यूबवेलों पर लगाए जा रहे बिजली का मीटर का भी विरोध किया कि यूपी सरकार की ओर से पेश किए गए बजट की भी प्रशंसा की। प्राइम मेगा न्यूज के लिए पवन अग्रवाल, मुजफ्फरनगर। अगर वे कोई प्रस्ताव देते हैं वहाँ कोई जमीन है तो निश्चित रूप से बनवाओ। 2014 में जब नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने थे तो हिंदुस्तान दुनिया में 10वीं बड़ी इकोनॉमी था। 2014 से आज हम 2023 में खड़े हैं, करीब 9 वर्ष हुए हैं। इन 9 वर्ष से हम 10वीं से 5वें पायदान पर आज दुनिया में आ चुके हैं। 5 पायदान की छलांग इन 9 वर्ष में हिंदुस्तान ने लगाई। भाई मैं बजट के बारे में कुछ कहना चाहता था आप लोगों को। केंद्र सरकार का बजट आया, प्रदेश सरकार का बजट आया, विकास के लिए बजट आया, देश की तरक्की के लिए बजट आया, हर सेक्शन का ध्यान रखा गया है। युवा हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सभी तबकों का इन बजट में ध्यान रखा गया है। विकास के लिए बजट आया, उसके संबंध में आपसे बात करें। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर के बारे में बता दीजिए थोड़ा सा, क्या क्या विकास कार्यकाल में हुआ, क्या होना है? देखिये, मुजफ्फरनगर में नए नए नेशनल हाईवे बने हैं, इस वर्ष और एक नया नेशनल हाईवे लेकर आऊंगा। आरआरटीएस के प्रयास वो करवाऊंगा, आपका वो काम करवाऊंगा, वो दुकानें हटाएंगे। ये कहा जा रहा है कि किसानों की जमीन जो है प्रशासन जबरदस्ती ले रहा है, उसमें अब स्टे भी हो गया है। 52 हेक्टेयर जमीन दी गई थी काऊ सेंचुरी के लिए, जिनमें जो किसान धरने पे बैठे हैं उनकी पट्टे के रूप में 9 हेक्टेयर जमीन थी। पहली बात तो खोले की जमीन है, श्रेणी 6 की जमीन में पट्टा नहीं हो सकता, लेकिन चलो उस समय जो भी अधिकारी रहे होंगे उस समय के पुरानी बातें हैं, उसने घाल मेल करके पट्टे किए। 9 हेक्टेयर में पट्टे थे, 9 हेक्टेयर के अलावा कहीं पट्टे नहीं थे। प्रशासन ने किसानों से बुला के बात की और प्रशासन 9 हेक्टेयर छोड़ने के लिए तैयार था। अब मेरा सवाल उनसे है, देखिए जब इंडस्ट्री जब आएंगे, जब लॉ एंड ऑर्डर अच्छा होगा, जब बिजली 24 घंटे होगी और जब इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा। हमें तीनों पहलों पर काम करना पड़ा है। मुजफ्फरनगर में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, नेशनल हाईवे बने, सड़कें बनी, बिजली की समस्या थी जनपद में। अब मैं कह सकता हूँ शहर में 23-24 घंटे और गांव में भी 18-20 घंटे बिजली आ रही है। और लैंड ऑर्डर आप अच्छी तरह जानते हैं, आप भी रात को कहीं कवरेज पर जा सकते हैं। पहले तो आप लोग भी रात को दिखाई नहीं देते थे, तो लैंड ऑर्डर भी अच्छा है। तो ये तीनों होने के बाद इंडस्ट्री आएंगी, 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा, बहुत बड़ी बात है। 10,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा तो बहुत से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। यही है कि अपने जनपद में रोजगार मिले, इससे बेहतर क्या हो सकता है। मेरा तो टारगेट है कि इस वर्ष में रैपिड ट्रेन का, चूंकि सर्वे का काम इसमें चल रहा है, भारत सरकार की संस्था इस पर DPR बनाने में सर्वे में लगी हुई है। मेरा प्रयास सेक्टर के पक्ष में नहीं हूँ, मैं किसान के इस मामले में साथ हूँ, खुल के कहा मैंने तो ये बात। और तो मैं तो चाहता हूँ कि ना लगे। प्रस्ताव लंबित थे, ज़्यादातर चौड़ीकरण के प्रस्ताव हुए हैं और NH पर भी लगातार काम चल ही रहा है, तो रेलवे NH ये ज़्यादातर काम पर अब बहुत सारी खामियां बता रहा है। देखिए, विपक्ष को आपने ये तो काम दिया है कि वो बुराई करें और खामी करें, उनकी ड्यूटी आपने दी है, हमारी ड्यूटी काम करने की दी है, उनकी ड्यूटी हमारी बुराई करने की है। और वे बुराई करेंगे तो कुछ अगर कमी होगी हम बेहतर और दूर करने का प्रयास करेंगे। लोकतंत्र में क्रिटिसिज्म आवश्यक है, विपक्ष का ड्यूटी है, वो अपना काम करेंगे और उसमें कुछ अच्छी पॉजिटिव चीज़ें निकलेंगी तो निश्चित रूप से सरकार उस पर ध्यान देगी। घटा हुआ बजट है वो जनता की भलाई में खर्च किया जा रहा है, तो इस तरह का एक समावेशी सभी वर्गों को ध्यान में रखकर केंद्र और प्रदेश सरकार बजट लेकर आए, यही मुझे कहना था। अब आपके जो सवाल हों उनके जवाब दूंगा। मंत्री जी, बजट तो सही है, जनता में भी तारीफ हो रही है, लेकिन देखिए, पहली बात तो शुक्र तीर्थ पे जब मैं सांसद रहा उससे पहले शुक्र तीर्थ की फोटो देखो, और जब मैं आज हूँ तो शुक्र तीर्थ की फोटो देखो। चूंकि मैं इस विभाग का मंत्री रहा हूँ जल संसाधन, तो जितने बने थे ये ज्यादातर उसी दौरान बने थे। और 10 करोड़ का जो बजट है वो शुक्र तीर्थ के और कामों के लिए, वहाँ के जल निकासी उनकी व्यवस्थाओं के लिए। हमारा प्रयास रहा है पहले से, मैं कामयाब नहीं हो पाया कि शुक्र तीर्थ में गंगा की धारा आए,
आगे प्रयास करेंगे कि शुक्र तीर्थ में ये धारा का बजट नहीं है, ये शुक्र तीर्थ में जो जल निकासी के और वैसे काम है उसके लिए बजट है। 10 करोड़ रुपए मिला तो अगर आवश्यकता होगी आगे और मिलेगा। लोन लिया उसकी जमीन भी की हो सकता है, उनकी बात अपनी जगह ठीक हो, मैं नहीं कहता कि भाई, लेकिन सरकार का काम है, सरकार का जो काम है वो ये है कि और जिस समय की चौधरी साहब बात कर रहे हैं उस समय समाजवादी पार्टी सरकार में वो लोन हुआ था, वो हमारी सरकार में नहीं है, पहले तो आपको ये बात बता दूं मैं तो। ज़्यादातर जो काम धनु योजना थी उस सरकार में, इस सरकार में तो 50% की सब्सिडी डेयरी उद्योग के ऊपर दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा डायरेक्ट, ये तो काम करने के वाले के ऊपर है, सरकार तो सुविधाएं और सब्सिडी दे सकती है, ये काम करने वाले के ऊपर है कि वो बेहतर काम करके किस तरह से उसे देखिए। जब तक बिचौलिया रहेंगे धीरे धीरे बिचौलियों को हमें दूर करना पड़ेगा। इसमें भी एक समस्या रही है कि गांव के स्तर पर अगर आप दूध देंगे और डायरेक्ट कंज्यूमर तक देंगे दोनों स्थिति में फ़र्क है, और हमारे यहाँ डेयरी की स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं थी, ये सच है, पराग बैठ चुकी थी, कोऑपरेटिव सिस्टम कोलैप्स था, इसीलिए हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव में लेकर आया हूँ, ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के 7 जनपदों को लेकर शुरू की गई थी 6 महीने पहले, 1.25 लाख किसान इससे जुड़ चुके हैं, मैं आपको बताऊं अभी तक 6 महीने के अंदर हरित प्रदेश मिल्क कोऑपरेटिव के साथ 1.25 लाख किसान जुड़े हैं, और ये मुझे उम्मीद है कि अमूल की तरह हम इसे कोशिश करेंगे बड़ा करें। और जो आपने एक समस्या बताई है कि किसान को कोऑपरेटिव का सहारा मिलता है, वो प्रयास निश्चित रूप से जो उनका सवाल था उसके जवाब में हरित प्रदेश लेकर आए थे उनके सुझाव। कार्य समिति जो TDS कटता था पहले अगर निकालती थी वो TDS समाप्त किया गया है, तो आप देख सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो, रक्षा का हो, किसान हो, महिलाएं हो, केंद्र सरकार का बजट एक दिशा देने का बजट है कि एक व्यापक इस देश को किस दिशा में लेकर जाना चाहता है। अब मैं प्रदेश के बजट में मुख्यमंत्री का विशेष रूप से एक उसके लिए धन्यवाद करूंगा जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या थी और हमारा वायदा भी था इस 2022 के चुनाव से पहले कि कृषि के सिंचाई के लिए जो ट्यूबवेल हैं उनको फ्री में बिजली मिलेगी। पहले चुनाव से पहले हमने 50% इसमें की थी और चुनाव के बाद चूंकि पश्चिम ज़्यादातर ट्यूबवेल जो भी उत्तर प्रदेश में है मुझे लगता है उनका 70% ट्यूबवेल पश्चिम उत्तर प्रदेश में है, तो मैं धन्यवाद करूंगा, एक सबसे बड़ी डिमांड थी इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की और मुजफ्फरनगर की विशेष रूप